हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस एंड इन्फ्लेशन, द सक्सेसफुल टाइटरोप वॉकिंग। फर्स्ट लुक फर्स्ट, इसमें देखिए इन्फ्लेशन की ये तीन हैं। इसमें जो इन्फोग्राफिक्स दिए गए हैं, इसमें दिया गया है, ये दिए गए हैं 2000 पोस्ट कोविड से पहले का, 2018-19 से, और ये लास्ट तक अभी तक दिया गया है। अब इसमें देखिए जो इन्फ्लेशन है वो पहले प्रोजेक्ट की गई थी 2020-21 में कि ये WPI वाली नेगेटिव जाएगी और ये 6.6 के अराउंड रहेगी। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जो पेंडेमिक आया, इस टाइम जो पेंडेमिक आया उसके कारण क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। जब माइग्रेशन हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ, मैसिव डिसलोकेशन हुआ। जो सर्विसेज आपको अर्बन सेंटर में प्रोवाइड करनी होती थी उसी उतनी ही लार्ज स्केल पर हाँ प्रोवाइड करनी पड़ी जो लोगों के खुद के घर थे, जनरली रूरल इंडिया में। तो उसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो है पहली बार बहुत करीब 1 या 1.5 साल बाद ये जो 6% वाला जो अपर ब्रैकेट होता है उसके ऊपर निकल गई। इसके बाद क्या हुआ, कोविड के जस्ट बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरी एंड फिस्कल मेजर्स लिए। किसके लिए, जिससे कि जो फूड है आपका, जो फूड होता है इन्फ्लेशन सेंसिटिव होता है, उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। और उसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन क्या है, पुल्ड बैक टू 5.5%। देखिए ये 5.2 का टारगेट लिया था 2021-22 में और ये कितने पे आया, 5.5 पे आ गया। अब इसके बाद 2021 के बाद जब लग रहा था कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ रही है, ऑल दो ये जो WPI थी वो बढ़ रही थी, फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, लेकिन जो CPI कंबाइंड थी वो कंट्रोल में आ रही थी। तो उस समय एकदम से क्या हुआ, उसके बाद आ गया आपका ये वाला एरिया, जब आपका यूक्रेन का वार हुआ तो कारण क्या हुआ, आपकी एनर्जी के प्राइसेस, इंडस्ट्रियल मेटल्स और जो फूड है इनके प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। देखो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल मेटल्स की कॉस्ट बढ़ेगी, फूड की कॉस्ट बढ़ेगी, तो क्या होगा, हाई इनपुट कॉस्ट। मतलब आप कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अगर एनर्जी की प्राइस बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल मेटल्स का प्राइस बढ़ रहा है तो जो भी चीज बन रही है, स्टील बन रही है, एल्यूमिनियम, जो भी चीज इससे बनती है वो सारे के प्राइस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या हुआ, ये तो यूक्रेन वॉर के कारण ये तो हुआ, जो आपका ब्लैक सी रीजन में जितनी भी कमोडिटी एक्सपोर्ट होती थी या जिनकी भी सप्लाई होती थी, जैसे वीट हुआ, वीट यूक्रेन में काफी होता था या रशिया में भी काफी होता था, उसकी सप्लाई रुक गई। सनफ्लावर ऑयल, इसकी भी सप्लाई क्या हुई, काफी ज्यादा कम हो गई। इसके कारण क्या हुआ, इडविल ऑयल के प्राइस भी बढ़ गए। दूसरा क्या हुआ, जब इनके प्राइस बढ़े तो जो अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है, तो जो एक्सपोर्टर कंट्रीज थे साउथ ईस्ट एशिया के, जो अदर ऑयल एक्सपोर्टर थे इडविल ऑयल, उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया। यूक्रेन वार ने क्या किया, वीट की सप्लाई भी रोकी, जो मैंने बताया था। दूसरा है, बीच में क्या हुआ, लेटिन अमेरिका में क्या हुआ, हार्वेस्ट फेलियर हो गया, जिसके कारण जो फीड कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। फीड कॉस्ट इंक्रीज के कारण क्या हुआ, जो प्रोटीन वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी इन्फ्लेशन बढ़ गई। तीसरा है, ये तो हुए आपके क्या सप्लाई साइड फैक्टर, ये जो चीजें थी ये थी आपकी क्या एक्सटर्नल फैक्टर थी। अब कुछ इंटरनल फैक्टर भी हुए साथ में। इंटरनल फैक्टर क्या हुए, एक तो जो सबसे पहले जो गर्मियां हुई, बहुत ज्यादा गर्मी थी, मतलब 2022 से पहले जो आपका मई से लेके दिसंबर सॉरी सेप्टेम्बर तक का टाइम था, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी रही। इसके कारण क्या हुआ, वीट का प्रोडक्शन भी काफी कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो उसका सीजन आया, बरसात का सीजन आया, उसमें भी जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, काफी ज्यादा इरेटिक रहा, और स्पेशियल उसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन था काफी अलग गलत रहा। पता चला राजस्थान में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, यूपी में, अगर यूपी बिहार में बारिश भी हो रही है तो फिर गलत टाइम पे हो रही है। लोगों का जो सीजन होता है आपको फसल लगाने का, वो काफी ज्यादा डिले हो रहा था, और पता चला डिले हो रहा था उसके 1-2 दिन बाद बारिश ही नहीं हुई। तो इस तरह से क्या हुआ, मानसून के कारण काफी ज्यादा जो क्रॉप थी उसमें क्रॉप एरिया भी कम हुआ, पैडी का प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दूसरा क्या हुआ, जो इस साउथ रिट्रीटिंग मानसून था, इसके कारण क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सारे जो कंट्री हैं, ये वाली इन जगहों पे क्या हुआ, रेन जो है काफी क्या हुई,
इंटरमिटेंट इंटेंस रेनफॉल हुई, इसके कारण क्या हुआ, पोटैटो की जो क्रॉप थी उसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ। तो ये थे आपके इंटरनल फैक्टर। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको, ये पूरी स्लाइड आपको याद रखनी है। मतलब अगर आपसे कोई कहते कि हाँ इस इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखो कि आप WPI इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है तो उसका मेन रीजन बताओ 3 या 4, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, इंट्रोडक्टरी पेजेस में इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा है कि इंडिया ने क्या किया, ओवर स्टिमुलेट नहीं किया, मतलब जितनी जरूरत थी उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिससे कि हम लोगों के जो बेसिक्स थे वो कमजोर ना हो। उसके कारण क्या हुआ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो प्रेशर आ सकता था वो प्रेशर नहीं आया। दूसरा, कोर इन्फ्लेशन जो है ना अपनी, वो क्या है, रिमेन स्टिकी एट नियरली 6% एंड रिफ्लेक्ट द सेकेंड राउंड इफेक्ट। सेकेंड राउंड इफेक्ट क्या होता है, अगर जैसे सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है सप्लाई साइड, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है, होलसेल पे होता है, होलसेल प्राइस पे। होलसेल प्राइस ये हो गया फर्स्ट राउंड, ये जनरली प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद प्रोड्यूसर से कहां जाता है, रिटेल पे जाता है, इसमें होता है टाइम लैग, इसमें टाइम लगता है। ये जो होता है सेकेंड राउंड इफेक्ट, तो ये क्या हुआ, सेकेंड राउंड इफेक्ट हुआ सप्लाई शॉक्स का। दूसरा क्या हुआ, इंडियाज इन्फ्लेशन रेट बिटवीन अप्रैल 2022 कितने हो गई, 7.8 समथिंग परसेंट मेंटेन करता है, बिफोर मॉडरेटिंग टू 5.7% इन दिसंबर 2022। मतलब जो कर्व था वो पहले अप्रैल में बढ़ा, उसके बाद फिर ये कम हुआ, अप्रैल में पीक हुई और दिसंबर में फिर से कम हो गया। आप इस चीज को इससे भी समझ सकते हैं, देखिए अप्रैल तक क्या हुआ, अनचेंज्ड एट 4% जबकि रेपो रेट थी, फिर एक महीने बाद ही तुरंत क्या हुआ, 40 basis points से बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ये पीक पे चल रही थी ये सारी इन्फ्लेशन, तो कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाई है, 50 basis points, 50 basis points, 50 basis points। उसके बाद जब फिर से डाउन हुई तो फिर से 35 basis points बढ़ाई, एकोमोडेटिव स्टांस लिया बराबर आरबीआई ने। नेक्स्ट आइए, रिटेल इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फूड कमोडिटीज के कारण ही रिटेल इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा हुई। कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर थे, फूड एंड बेवरेजेस, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, ये तीन चीजें आपको जो मेंशन करनी है। दूसरा, ग्लोबल स्पिल ओवर से क्या हुआ, जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो थी, इसने क्या किया, सबसे पहले होलसेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया विद सम टाइम लैग। ये टाइम लैग अच्छा होता है, क्योंकि टाइम लैग जैसे आप अपने देखा होगा, जैसे आप जूस लेने गए, आपको पता चला कि एकदम से महंगाई जूस की बढ़ गई है, लेकिन आप दुकान पर लेने गए तो आपको क्या हुआ, पुराना एमआरपी वाला, ओल्ड एमआरपी वाला अगर कोई बॉक्स मिल गया तो पता चला उसमें जो प्राइस थे वो 105 रुपए थे और जो नया वाला है उसमें 115 रुपए है। तो ये जो इन्वेंट्री जब तक खत्म नहीं होती है प्रोड्यूसर लेवल पे और आपके रिटेल शॉप वाले उन पे, तब तक ये जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो पड़ता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा लेने गए होंगे तो क्या हुआ, प्राइस आपको बढ़े हुए मिले होंगे। तो ये टाइम लैग होता है इन्वेंट्री के कारण, रिफ्लेक्ट्स इन रिटेल इन्फ्लेशन, तो आपको रिटेल इन्फ्लेशन थोड़े टाइम बाद पता चलती है। अब दूसरा, इसमें कुछ इसमें फैक्ट ये आए थे, जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो हेल्थ सब ग्रुप में, मिसलेनियस में जो हेल्थ सब ग्रुप आता है उसमें क्या हुआ, मॉडरेट हुई। क्यों हुई, इजी इन सप्लाई एंड मॉडरेशन इन डिमांड पोस्ट कोविड। कोविड के बाद क्या हुआ कि जो मशीन मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा मॉडरेट हो गई, इससे कारण क्या हुआ, जिसमें जो इन्फ्लेशन थी वो कम हुई। एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन थी वो काफी बढ़ गई, एजुकेशन से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चे होते हैं उनकी डिमांड होने लगी, स्कूल फिर से ओपन होने लगे, तो इन दो चीजों में क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ी। फिर आते हैं फूड इन्फ्लेशन कॉस्ट बाई वेजिटेबल्स एंड सीरल्स। वेजिटेबल्स और सीरल्स का इन्फ्लेशन कौन सी हुई, अब देखिए वेजिटेबल्स और सीरल्स का मेजर कंट्रीब्यूटर क्या हुए, वेजिटेबल, सीरल्स, मिल्क एंड स्पाइसेस। अब देखिए जो सीरल्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वीट एंड राइस के प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वीट का जो एक्सपोर्ट है वो प्रोहिबिट कर दिया, बैन नहीं किया, देखिए बैन नहीं किया है, केवल प्रोहिबिट किया है अंडर HS कोड 1101
एंड इम्पोज एन एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस, राइस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। अब देखिए ये जो HS कोड होता है इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, आटा आता है, मैदा आती है, सेमोलिना, सेमोलिना मीन्स रवा आता है, आपका होल मील आटा आता है, और रिजल्टेंट ये सारे आटा और रवा मैदा ये सब चीजें आती हैं। इनके ऊपर एक्सपोर्ट पॉलिसी अभी तो फ्री है, लेकिन क्या वैन लगा दिया, क्या लगा दिया कि जब तक आप गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक आप इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% ऑन राइस, ब्राउन राइस, सेमी मिल्ड एज वेल एज होली मिल्ड राइस, मतलब राइस पे भी इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। तो व्हीट और राइस को इन्होंने ऐसे कंट्रोल किया जिससे कि इंडिया में अवेलेबिलिटी इनकी बनी रहे। अच्छा, ये ऑर्डर कहाँ से आता है? ये ऑर्डर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, DGFT, ये ऑर्डर इशू करता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है कि ये कौन ऑर्डर इशू करता है। नेक्स्ट आइए, टोमेटो पे क्या हुआ, टोमेटो इज रियल रेड इस बार। अब आपने देखा होगा कि जो तो टमाटर है उसमें काफी ज्यादा प्राइस में उसके फ्लक्चुएशन आया है। देखिए टमाटर का जो इसमें दिया गया है टोमेटो का रेड, जो ये जो प्राइस है, ये तो प्राइस जनरली जो इसकी सीजनलिटी है हर साल बढ़ेगा बढ़ता है। इसके बाद ये जो आया, ये जो पीक आया, ये क्या हुआ, इसके प्राइस एकदम से बढ़े। और इसके प्राइस बढ़े क्यों, देखिए ओइंग टू क्रॉप डैमेज, क्रॉप डैमेज हुई, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ ड्यू टू द अनसीजनल हैवी रेन्स, ड्यू टू अनसीजनल हैवी रेन्स इन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आप लोग ये चेक करके बताइए मुझे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन टोमेटो का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आंध्रा में होता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु कहाँ होता है। दूसरा, इसके रीजन ही मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सीजनलिटी इन प्रोडक्शन, ये 2021 में जो पिछले साल का अगर आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये मेंशन है कि जो टोमेटो होता है उसमें प्रोडक्शन जो है फ्लक्चुएशन होता है, क्या कि जो 70% जो प्रोडक्शन है टोमेटो का वो रवि क्रॉप में होता है। तो खरीफ के सीजन के टाइम ऑब्वियसली बात है कि डिमांड तो सेम ही रहती है, टमाटर, प्याज, आलू तो हर समय खाया जाता है, लेकिन इसके जो प्रोडक्शन है केवल 30% होता है खरीफ के टाइम पे। तो फिर क्या होगा, इस समय प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं। और इस इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल के ये भी लिखा है कि अगर सारी चीजें इक्विवेलेंट रहे, कोई सप्लाई शॉक्स ना लगे, कोई वार ना हो, तो प्राइस में जो है लगभग 15 रुपए का फर्क आता है टमाटर के प्राइस में। अब क्या हुआ, दूसरा एक रीजन क्या है, एक तो ये तो हो गया आपकी सीजनलिटी इन प्रोडक्शन, अनसीजनल हैवी रेन्स बताई दिया है, ट्रांसपोर्टेशन डिले होता है अगर रेन अनसीजनल हैवी रेन्स होती है, प्लस आपका क्या होता है, आपकी जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया ये काफी स्क्यूड है टोमेटो के लिए भी और पोटैटो के लिए भी। इनके लिए कोल्ड स्टोरेज जो है नॉर्थ इंडिया में तो लगभग है ही नहीं, और जो इसके कारण क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टोमेटो भी होता है काफी ज्यादा अमाउंट टू, लगभग 15% से लेके 16-17% तक इसका क्या होता है, वेस्टेज भी होता है। अगर यही वेस्टेज जो हम लोग बचा लें और इसको सप्लाई कर दें खरीफ टाइम में, तो फिर काफी ज्यादा प्राइस में मॉडरेशन आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने सोया मील से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, सोया मील को इसेंशियल कमोडिटी बना दिया। इसेंशियल कमोडिटी आप जैसे बनाते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के थ्रू, और इससे होता क्या है कि आपको एक तो स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल हो जाता है, गवर्नमेंट का स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल हो जाता है। स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल होता है तो क्या होता है, आपकी जो होर्डिंग है वो नहीं हो पाती है, होर्डिंग नहीं होगी तो क्या होता है, अवेलेबिलिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, आपकी प्राइस जो है बढ़ते नहीं है या फिर कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें दिखा है कि 30th of June 2022 तक के लिए किया था, इसको बढ़ा के फिर दिसंबर 2022 तक कर बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने। इसके बाद आता है पल्सेस में क्या किया, दाल में देखो ये हुआ कि बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस ये कर दिया गया आपका, किसके लिए मेंटेन किया गया बफर स्टॉक को। बफर स्टॉक को कैसे मेंटेन किया गया कि आपकी जो पल्सेस थी वो बफर स्टॉक से क्या हुई, कैलिब्रेटेड वे में रिलीज हुई, मतलब स्टेप बाय स्टेप रिलीज हुई, ये नहीं कि आपने सीधे कम कर दिया। तो ये अगर आप सीधे डाउन कर देते तो फिर क्या होता, आपके ये वाला जो एरिया ये आपका बचा रहा, तो
एक तो ये किया गया। दूसरा क्या किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी मसूर पे क्या कर दी गई, 0% कर दी गई। तीसरा क्या हुआ, जो ये सेस लगता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस मसूर पर, वो क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया। और उससे क्या हुआ, आपकी जो नेट कॉस्ट है मसूर की वो कम हो गई। तूर और उड़द को भी फ्री कैटेगरी में डाल दिया 31 मार्च तक के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी इस समय जो प्रधानमंत्री वाली जो योजना चल रही है, इसमें फ्री राशन मिलता है, उसमें चने भी मिलते हैं। तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आप लोग, हम मेरी तरफ से 8 किलोग्राम जो डिस्काउंट है वो स्टेट के ले सकते हैं, और इससे स्टेट को क्या होगा कि आपको रिस्पेक्टिव इशू प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा 8 किलोग्राम पर केजी का, ये गवर्नमेंट ने और बोला। तो ये गवर्नमेंट के अपने पे एफर्ट गवर्नमेंट ने डाले, कैसे दाल पे कंट्रोल करें, कैसे सोयाबीन मतलब न्यूट्रिशन पे भी कंट्रोल करना है, वीट और राइस पे भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद ये एक फैक्ट है कि इस टाइम में हम लोगों ने जो रिसेंट देखा है, देखिए फूड इन्फ्लेशन जो थी वो जो रूरल एरिया है, देखिए रूरल के लिए जो रूरल में जो फूड इन्फ्लेशन थी वो ज्यादा थी, और जो अर्बन में जो फूड इन्फ्लेशन थी वो कम थी। ये एक फैक्ट है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फूड इन्फ्लेशन रूरल रूरल में ज्यादा रही या स्टेट में ज्यादा रही या फिर दोनों में कम रही, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन फूड की देखी गई वो कंपेरेटिवली अर्बन एरिया से ज्यादा देखी गई। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आरबीआई की जो निकली थी सेप्टेम्बर 2002 में, उसमें उस बुलेटिन में आरबीआई ने क्या बोला था कि हाउ दिस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एक्चुअली वर्क्स। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका 1% प्राइस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है उसके प्राइस बढ़ के हो गए 101 रुपए, तो वही चीज इंडिया में आते आते कंज्यूमर के पास आते आते उसकी कीमत हो जाएगी 1.63 रुपीज। मतलब ये जो 0.63 का एड ऑन हुआ वो किस कारण हुआ, नंबर एक पास थ्रू इम्पैक्ट, मतलब इम्पोर्ट फिर होलसेल फिर रिटेल, एक इसके थ्रू हुआ। और दूसरा ये 0.17 मतलब ग्लोबल स्पिल ओवर। अब ग्लोबल स्पिल ओवर का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक चीज में इन्फ्लेशन की कॉस्ट बढ़ती है तो क्या होता है, उससे रिलेटेड और चीजें जो हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, फिर तो उससे रिलेटेड कोई अगर चीज है उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर आप कोई चीज ऐसी ले रहे हो जिसमें ये चीज भी इंक्लूड होती है, ये चीज भी और ये वाली, मतलब ए बी सी इन तीनों को मिला के कोई चीज अगर बनती है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, आपकी तीनों की सम हो जाएगी, तभी ये 0.17% का ये जो एक्स्ट्रा है ये इससे आता है। ये फैक्चुअल डेटा निकाला था गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, सॉरी। इसके बाद देखिए ये मैंने रखा है, ये जो आपका ये जो होलसेल इन्फ्लेशन है 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, प्राइमरी आर्टिकल एंड फ्यूल एंड पावर। अब देखिए जो आपकी होलसेल इन्फ्लेशन होती है उसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनका कितना होता है परसेंटेज, 64.52, और जो आपका प्राइमरी आर्टिकल्स का होता है 22.6, और आपका ये जो फ्यूल एंड पावर का शेयर होता है 13.2। अब इसमें देखिए इन्फ्लेशन जो है ये लगातार बढ़ी है, प्राइमरी आर्टिकल में भी बढ़ी है, फ्यूल एंड पावर में भी होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थे उसके में जो उसमें जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है। नेक्स्ट आते हैं हाउसिंग प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ा। अच्छा, जो हाउसिंग प्राइसेस है वो एक्चुअली में जब से ये रेजी टैक्स आया है, रेजी टैक्स जो था वो इंडेक्स निकाला था नेशनल हाउसिंग बैंक ने, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988, ये तो आपको याद रहना चाहिए। नेशनल हाउसिंग बैंक ने निकाला था ये आपका रेजी टैक्स। इसमें क्या होता है, दो एक तरह से होते हैं, एक होता है एचपीआई, एक होता है एचपीआई एट मार्केट प्राइस, एक होता है असेसमेंट प्राइस। असेसमेंट प्राइस क्या होता है, ये लोग डेटा ले लेते हैं किससे, बैंक से, जो यूनिट बिक चुकी हैं, जो घर बिक चुके हैं वो कितनी वैल्यू पे बिके हैं उसका डेटा आ जाता है। एचपीआई मार्केट प्राइस में क्या होता है, ये लोग जो डेवलपर होते हैं उनसे डेटा लेते हैं कि आपकी जो अनसोल्ड यूनिट है जो बिकने वाली है उनकी वैल्यू क्या है, तो इससे ये लोग कंपेयर करके लोग निकाल लेते हैं कि एक्चुअली में जो इन्फ्लेशन कॉस्ट आ रही है, जो बिक चुके हैं उनके प्राइस क्या है, जो बिक रहे हैं उनके प्राइस क्या है। जैसे 2 BHK है, कोई बिक चुका है उसका प्राइस माना कि 22 लाख में बिका, उसके बाद क्या हुआ जो आपका बिकने वाला है उसकी उसकी कॉस्ट इन्होंने कितनी रखी है, माना कि 28 लाख रखी है, तो कहेंगे 6 लाख रुपए इन्होंने ये बढ़ गए,
इसमें लोग कुछ माइनस कर देंगे, इन्फ्लेशन का फैक्टर हटा देंगे या फिर पावर कॉस्ट का हटा देंगे, इन सब के इन्फ्लेशन हटा के लोग डिसाइड कर लेंगे हाँ कितने परसेंट एक्चुअली में बूम हुआ है। तो ये चीज इस फिगर से उन्होंने दिखाई कि दोनों ही चीजें बढ़ी हैं, मार्केट प्राइस भी बढ़े हैं एसपीआई का, हाउसिंग प्राइस का, और इन्फ्लेशन इसके ये भी बढ़ा है। अब देखिए इसमें वो एनएलएसबी ने सपोर्ट कैसे है, ये इसमें आप देखिएगा। नंबर एक, जो आपकी जो कोरोना से इंड्यूस्ड जो लॉकडाउन था उसमें इन्होंने क्या किया, फाइनेंस किया एनएसबी ने। कैसे किया? एक तो इन्होंने क्या किया, लिक्विड इन्फ्यूजन फैसिलिटी स्कीम निकाली 2019 में। इसमें इन्होंने क्या किया, क्रिएटिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं एज डिफाइंड बाई आरबीआई। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सेक्टर्स को, कुछ जो हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो थे उनको उन्होंने क्या किया प्रायोरिटी सेक्टर में रखा, और उस प्रायोरिटी सेक्टर में रखने से क्या हुआ, उनको लोन इजीली मिला। दूसरा क्या किया इन्होंने, एनएसबी हैज एक्सटेंडेड कंसेशंस ऑफ 25 टू 30 बेसिस पॉइंट अंडर रीफाइनेंस फॉर वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडिंग वोमेन, रूरल एरिया, मतलब अगर आप वोमेन हैं, गरीबी गरीब मतलब गांव के एरिया से आते हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, और किसी वीकर सेक्शन से हैं, तो आपको क्या होगा, आप लोन लेंगे तो आपको 0.25 या 0.35 यूनिट्स परसेंट जो है पॉइंट लोन जो है कम मिलेगा, मतलब कम रेट पे मिलेगा। नेक्स्ट आइए, तो ये आपका ये फिनिश हो गया, इतना ही था इस चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे में। तो एक्चुअली में जीओआई है गेम ऑफ इन्फ्लेशन, और इसमें कौन लोग अटैक कर रहे हैं, वॉर अटैक कर रहा है, वेदर अटैक कर रहा है, और एक कोरोना वायरस अटैक कर रहा है, ये तीनों इस क्या कर रहे हैं, इस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वॉल क्या है आपकी, आरबीआई, या फिर कह लो अपनी अपनी इकोनॉमी है, ये गवर्नमेंट है, होल्ड द डोर कर रही है कि किसी तरह से ये लोग इनका जो इम्पैक्ट है वो हम ही पूरा झेल लें, जिससे कि पीपल पीस पैसा, ये लोग ऑलरेडी क्रिपल्ड है, फ्यूचर इनका सेफ है लेकिन ऑलरेडी इस समय क्रिपल्ड हालत में है, इनकी सेविंग हो सके। थैंक यू।